कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। फैसला मुमकिना बारिशों के बायस किया गया। इलेक्शन कमीशन का दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को कराने का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध की रिपोर्ट पर इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया है। मुहर्रमुल हराम और मौसम की सूरत हाल के बायस एन 245 का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया गया। एन 245 के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी। एन 245 का ज़िमनी इंतखाब भी नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में अहम बैठक लगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की दरख्वास्त पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया। ऐलामिया के मुताबिक फैसला मुहर्रमुल हराम और मुमकिना बारिशों के पेश नजर किया गया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग अगस्त के तीसरे हफ्ते में होगी। दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीजन के 16 इजला में पोलिंग 24 जुलाई को होना थे। मुहर्रमुल हराम और मौसम की सूरत हाल के बायस एन 245 कराची का इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया गया, जो अब 21 अगस्त 2022 को होगा। पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात के बाद एन 245 की सीट खाली हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।